हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज वीडियो में सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ स्टील बार। स्टील बार का वेट कैसे निकालते हैं। हमारे पास सिक्स तरह के राउंड बार होते हैं, ठीक है। जो फार्मूला होते हैं, मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, उसके बेस पे आप वेट कैलकुलेट निकाल सकते हैं। फार्मूला बेस पे हमारे पास होता है राउंड बार, ठीक है। इसमें निकाले हम केजी पर मीटर, एक मीटर की लेंथ में कितना वेट होता है, ठीक है। राउंड बार आपका होता है पाउंड, एक फीट की लेंथ में कितना पाउंड होता है, जो आपकी यूनिट होती है MKS, MKS, ठीक है। और इंडिया स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है आपकी, ये वाली होती है। उसके बाद एक हेक्सनल बार, एक हेक्सनल बार होता है आपके पास, जिसके पास आपके छः कोन होते हैं, वो आपका हेक्सनल बार होगा। उसमें आप कैसे निकालते हो, एक किलो आपका जो वेट होता है कितने पर मीटर, एक मीटर की लेंथ में कितना वेट होता है, एक फार्मूला है। अगर आपके पास एक मीटर की लेंथ का वजन है, अगर आपके पास 200 mm की लेंथ भी होगी, अब उसका भी वेट निकाल लेंगे। बस आपके पास फार्मूला होना चाहिए। फार्मूला आपके पास केजी पर मीटर लेंथ और इंटू जो जितनी भी होगी फार्मूला 1 मीटर लेंथ के लिए है, और ये आपका 1 मीटर लेंथ और इंटू 0.20 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हेक्सागनल बार। ये हेक्सागनल बार यही होगा, इसका पाउंड होगा पाउंड पर फिट, एक फिट की लेंथ में कितना पाउंड वजन होता है फार्मूले से स्क्वेयर में। तो मैं बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, मैं आपको लास्ट तक देते रहना, विद एग्जांपल के बाद साथ बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले देख लेते हैं राउंड बार। तो राउंड बार का फार्मूला होता है डी स्क्वेयर इंटू 0.006165, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट निकालेंगे डी स्क्वेयर से, ये आपका नंबर्स होगा, इस तरह से दोनों गुना कर लेंगे तो डायरेक्ट आपका क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर, एक मीटर की लेंथ का वजन निकल जाएगा। डी हमेशा क्या रहेगा इसमें, डी आपका रहेगा डाया, ठीक है। डाया किसमें रहेगा, आपका मिलीमीटर में, आपका ये डाया रहेगा, ये वाला ये डाया आपका मिलीमीटर में रहेगा। तो डी आपका डाया डाया स्क्वेयर। अगर हम इसको और छोटा कर लेते हैं, फार्मूला में कर लेते हैं, अगर हम इसको कर लेते हैं, जैसे इसको डिवाइड बाई वन और इसको डी स्क्वेयर, ये हो गया है। अगर हम इसको और छोटा कर लेते हैं, फार्मूला में कर लेते हैं, तो ये वाला जो यूनिट है इसके नीचे ले आते हैं, ये यूनिट इसके नीचे ले आते हैं, तो डी इंटू 1/162.20 हमारे पास फार्मूला बन जाता है, क्लियर। या फिर हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर डिवाइड बाई 162.20, आपका फार्मूला हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल क्या रहेगा, एग्जाम्पल सपोज कीजिए आपके पास डायवी बार है 8 mm, 8 mm का बार है और लंबाई आपके पास 2.50 मीटर, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर या फिर 2500 मिलीमीटर की लेंथ है। तो फार्मूला आपके पास है डी स्क्वेयर डिवाइड बाई 162.20। तो डी के आपके पास डाया डी इंटू डी डिवाइड बाई 162.20, तो डी हमारे इसको इससे भाग कर लेते हैं तो 0.395 kg आता है। ये kg क्या हुआ, पर मीटर की लेंथ में, ये kg आपका पास पर मीटर लेंथ के अंदर आता है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके पास है kg पर मीटर, अगर आपके पास 0.395 ये 1 मीटर के बराबर होता है इतना kg में, तो इतने मीटर की लेंथ में कितना होगा, सिंपल इसको गुणा कर देंगे 2.50 से, आपके पास लेंथ है 2.50 मीटर की लेंथ। जब हम दिनों गुना करते हैं तो 0.987 किलोग्राम आपके जो लेंथ होगी 2.5 मीटर की, उसका वेट निकल कर आता है। अब देखते हैं टू, ये टू में क्या आएगा, फॉर्मूला क्या आता है, पाउंड पर फिट। अगर आपके पास एक फिट की लेंथ है सरिया की, तो उसका वजन कितना आएगा पाउंड के अंदर। तो फार्मूला क्या आपके पास, डी स्क्वेयर, डी हमारे पास है डाया मिलीमीटर में, ये आपका डाया है, इसमें मिलीमीटर के अंदर रहेगा, एमएम में। आपको पता होगा 8 mm बार, 10 mm बार, 12 mm बार, तो ये आपका 8 मिलीमीटर के अंदर है। तो हम इसको करते हैं 0.004143, ठीक है। जब हम इसको गुना करते हैं इससे, तो आपके पास आ जाएगा वेट पाउंड में, ठीक है, आपके पास आ जाएगा पाउंड में। अगर आप निकालते हैं और छोटा करने के लिए, तो इसको सिंपल वन से, इसको सिंपल वन से कर देते हैं और छोटा कर लेते हैं, तो ये यूनिट इसके नीचे चली जाती है, तो ये आपके पास आ जाता है डी स्क्वायर डिवाइड बाई 24 1.30, ठीक है। ये आपके पास बन गया है फार्मूला। एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल हमारे पास ये आता है, अगर आपके पास 12 mm का सरिया है, तो पाउंड पर फिट की लेंथ में निकालना है, तो डी स्क्वेयर 241.30 आपके पास फार्मूला निकल के आ गया है। तो 12 × 12 डिवाइड बाई 421.30 आपके पास फार्मूला। तो इसकी लेंथ क्या आएगा, इससे इसको भाग कर लेते हैं तो 0.596 पाउंड पर फिट, फार्मूला क्या आता पर फिट, आपके पास वजन क्या आएगा पाउंड में और एक फिट की लेंथ में। चलो इसको प्रूव करके देखते हैं। हमने प्रूफ निकाला था दूसरा फार्मूला मीटर में, डी स्क्वायर डिवाइड 162.2, क्या ये फार्मूला सही है या नहीं है वो चेकआउट करते हैं। तो क्या वजन आता है, केजी पर मीटर की लेंथ। तो 12 mm का सरिया होता है, तो वजन कितना आया, 0.887,
जब इससे इसको भाग कर लेते हैं तो 0.887 आता है केजी पर मीटर, 1 मीटर के लेंथ में फार्मूले से। तो जब हम इसको गुना करते हैं 0.887 केजी इंटू, ये क्या फार्मूला, केजी पर मीटर, तो केजी डिवाइड बाई 1 मीटर, 1 मीटर की लेंथ में इतना वजन। जब हम गुना करते हैं, जब केजी को पाउंड में बदलते हैं, तो 1 किलोग्राम में होता है आपके पास 2.208 पाउंड। ठीक, क्लियर। आपका केजी है, केजी कन्वर्ट किया आपने पाउंड के अंदर, और मीटर कन्वर्ट किया आपने फिट के अंदर। जब हम इन दोनों को गुना कर लेते हैं एक दूसरे से, तो आपके पास टोटल पाउंड बन जाते हैं और आपके पास टोटल फिट बन जाते हैं। अगर आप फिट को केजी से गुना कर लेते हैं तो आपके पास आता है 1 फिट की लेंथ में, आपके पास 3.28 फिट में इतना पाउंड होते हैं, तो 1 फिट की लेंथ में कितना होगा, सिंपल इसको आपको टोटल लेंथ में से भाग करना होगा, तो 0.597 पाउंड पर फिट, 1 फिट की लेंथ में इतने पाउंड आपके पास वजन आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि केजी पर फिट मेरा आ जाए, तो केजी पर फिट तो 0.597 आपके पास कितना है पाउंड के अंदर, पाउंड पर फिट। तो पाउंड को सिंपल किस में गुना करेंगे आप, वजन कितना किस में आया था, पाउंड में, और एक कि 1 केजी किसके बराबर होता है 2.205 पाउंड, तो 1 डिवाइड बाई 2.205 बराबर होगा 1 पाउंड। ठीक है, तो सिंपल इसको गुना कर देंगे, सिंपल इसको भाग कर लेंगे 2.205 से, आपके पास ऑटोमेटिक वजन आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब, तो हमारे पास आ जाता है पाई। सपोज कीजिए हमारे पास थर्ड एग्जांपल है हेक्सनल बार। ठीक है, तो हेक्सनल बार है, हेक्सनल बार फार्मूला क्या होता है हमारे पास, डी स्क्वेयर इंटू 0.006798, ये आपका पास फार्मूला हो गया है। इस फार्मूला को और छोटा कर लेते हैं तो डी स्क्वेयर डिवाइड बाई 147.10 आता है। तो जब हम इससे इसको भाग कर लेते हैं, आपके पास के जी पर मीटर के अंदर लेंथ आ जाती है। तो अगर आपके पास डाया है 16 मिलीमीटर का, डाया कैसे बनेगा, ये वाला इसका फेस से, इसका फेस हमारे पास बनेगा डाया। क्लियर, तो ये आपके पास हो गया डाया। तो डाया डी स्क्वेयर डिवाइड बाई 147.10, तो डाया कितना हमने लिया था 16 mm का, 147, ये आपके पास फार्मूला हो गया। तो वजन क्या आएगा किलोग्राम पर मीटर के अंदर, तो 1.74 kg पर मीटर, 1 मीटर की लेंथ में आपके पास इतना वजन होगा। एग्जाम्पल हो गया आपका, क्लियर। उसके बाद देख लेते हैं फोर्थ, फोर्थ का आपके पास कह रहा है हेक्सागनल पाउंड पर फीट, 1 फीट की लेंथ में कितना पाउंड वजन होगा, तो डी स्क्वेयर इंटू 0.00457, तो 0.0457 ये आपके पास वजन हो गया 1 फीट की लेंथ में वजन पाउंड में। तो इसको और छोटा कर लेते हैं तो डी स्क्वेयर डिवाइड बाई 218.80 आपके पास फॉर्मूला हो गया पाउंड में निकालने के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर आपके पास डाया 12 mm का, लेंथ है 1 फीट की, तो वजन कितना होगा, तो फार्मूला आपके पास 12 × 12 / 28.80, फार्मूला क्या कह रहा था, तो 218.80। इससे इसको भाग कर लेते हैं तो सिंपल आ जाता है 0.658 पाउंड पर फीट, 1 फीट की लेंथ में आपके पास पाउंड का वजन आ जाता है। पांचवा दे लेते हैं स्क्वेयर के अंदर, स्क्वेयर बार भी आपके पास साइड पे यूज करते होंगे गेट में और रेलिंग के अंदर, तो वहाँ पे आसानी से साइड पे ही वजन निकाल सकते हैं आप। तो डी स्क्वेयर आपके पास है इंटू 0.00785, ये क्या हुआ 1 मीटर की लेंथ में वजन निकालने का फार्मूला। डी स्क्वेयर आपके पास है ये मिलीमीटर के अंदर, और ये फार्मूला आपके पास हो गया। इन दोनों को गुना कर लेंगे तो आसानी से आपके पास आ जाएगा केजी के अंदर, कितना 1 मीटर के अंदर लेंथ में, और या फिर आप निकाल ले सकते हैं डी स्क्वेयर डिवाइड बाई 127.38। ठीक है, 127.38। अगर एग्जाम्पल देख लेते हैं पाँचवे का, अगर आपके पास डाया है 16 mm का, तो 1 मीटर के लेंथ में कितना वजन होगा, तो डी स्क्वेयर डिवाइड 127.38, ये फार्मूला आपके पास, फार्मूले को 16 × 16 / 127.38, ये फार्मूला हो गया। जब हम इससे इसको भाग कर लेते हैं तो 2.0 kg पर मीटर में आपके पास वजन निकल कर आ जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं नंबर सिक्स, सिक्स क्या क्या कह रहा है, डी स्क्वेयर इंटू 0.00527, ये आपके पास क्या बन गया फार्मूला, किसमें पाउंड पर फीट, 1 फीट की लेंथ में कितना वजन होता है। तो फार्मूले को इसको थोड़ा छोटा करेंगे तो डी स्क्वेयर डिवाइड बाई 189.75, ये फार्मूला क्या हुआ, डी किसमें मिलीमीटर के अंदर, ये आपके डी क्या नोट कर रहा है मिलीमीटर में। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपके पास डी स्क्वेयर डिवाइड बाई 189.75, जब हम डी को वैल्यू पुट करते हैं तो 16 × 16 / 189.75, ये आपके पास हो गया फार्मूला। तो जब हम इससे इसको भाग कर लेते हैं तो 1.349 पाउंड पर फीट,
एक फीट की लेंथ में इतना पाउंड आपके पास वजन निकल कर आ जाता है। एक प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ हमारे पास आ जाता है यहाँ पे, क्या आपने निकाला था, 2.0 kg 1 मीटर, 1 मीटर की लेंथ में होता है 2 kg। जब हम kg को कन्वर्ट करते हैं पाउंड में और मीटर कन्वर्ट करते हैं फीट में, तो जब हम इससे इन दोनों को जो बराबर आएगा गुणा भाग कर लेते हैं तो 1.347 ये पाउंड आता है। कितना डिफरेंस है, समथिंग डिफरेंस है ओनली। क्लियर। इस तरह आप कोई भी बार का अगर आप साइड पे निकाल रहे हैं, सपोज कीजिए आपने एक MS की विंडो बनाई है, तो उसमें क्या होता है, फ्लैट्स होते हैं, आपके पास टी बार होगा, स्क्वेयर बार भी होगा, हेक्सागनल बार भी होगा, तो उनमें आसानी से फार्मूला निकाल के विंडो का आप घर पर ही वजन निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इस अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी तरह मैं टेक्निकली वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।